नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 3,23,000 से ज्यादा नए मरीज। एक दिन में 2,771 मरीजों की हुई मौत। रोहतास के डीएम का सदर अस्पताल में औचक निरीक्षण। डीएम के अचानक आने से अस्पताल कर्मियों में मचा हड़कंप। लापरवाह कर्मियों को दी हिदायत। बक्सर में मां का शव लेने से बेटों ने किया इनकार। कोरोना से हुई है महिला की मौत। नगर परिषद शव का करेगा अंतिम संस्कार। मुजफ्फरपुर में कोरोना को लेकर अब भी लापरवाह दिख रहे हैं लोग। सब्जी मंडी में नहीं हो रहा कोरोना गाइडलाइन का पालन। सबसे बड़ा सवाल, कैसे रुकेगा कोरोना। रोहतास के डीएम ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। डीएम अचानक रात को जब पहुंचे, इसके बाद कर्मियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान डीएम धर्मेंद्र कुमार ने अस्पताल पहुंचने पर पीपीई किट पहनकर आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया। जिलाधिकारी के साथ वहां सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान डीएम ने लापरवाह कर्मियों को हिदायत दी और साथ ही साथ बेहतर काम करने वाले कर्मियों का मनोबल भी बढ़ाया। हामी की बात नहीं है, बेसिकली क्या है, जितना मेरे पास रिसोर्सेज है उसके हिसाब से जो भी मैक्सिमम हो सकता है यहाँ के डॉक्टर स्टाफ हमारे दे रहे हैं। रात्रि में देख सकते हैं यहाँ 70 आसपास के रोगी हैं। यहाँ पे SpO2 का लेवल देखिएगा तो 45 है, 65 है, 70 के आसपास है। तो हम लोग यदि उनको हायर स्थानों पे यहाँ से भेज भी रहे हैं तो वो लोग का ही रिक्वेस्ट है कि सर यहीं रखा जाए, नहीं तो रास्ते में ही डेथ हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियों के बाद भी जितने भी डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, वो मैक्सिमम दे रही हैं अपना, और लोगों से एक्सपेक्टेशन होगा कि लोग सहयोग करें। साथ ही साथ जितने संक्रमित लोग हैं उनसे एक आग्रह है कि आप लोग अपना SpO2 का लेवल जो है लगातार देखते रहिए। और बक्सर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल कोरोना संक्रमण से एक मृत महिला के बेटे ने अपनी मां का शव लेने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि मृत महिला के बेटों का कहना है कि मां तो मर गई, अब अगर उन्हें संक्रमण हो जाएगा तो क्या होगा। अब इसे परिस्थितियों का फेर कह लीजिए या कुछ और, यह समझ के बाहर है। जिस मां ने उन्हें जन्म दिया वही बेटे उनके शव को लेने से भी इनकार कर गए। वाह रे दुनिया। उधर अगर प्रशासन की बात करें तो अब नगर परिषद को उस मृत महिला का अंतिम संस्कार करने का जिम्मा दिया गया है। SDM दीपक कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमित जो महिला है उसके मृत्यु के बाद परिजन अगर शव ले जाने से मना करते हैं तो नगर परिषद उनके शव का अंतिम संस्कार कराएगा। मुजफ्फरपुर में कोरोना को लेकर अब भी लोग लापरवाह दिख रहे हैं। मुजफ्फरपुर के एक सब्जी मंडी की जरा तस्वीर देख लीजिए और यहां देखकर आपको जो भीड़ भाड़ नजर आएगी, और इसमें लोग अभी भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का यहां पालन नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि कोरोना कैसे रुकेगा। हमें घर पहुंचे तो नहीं बात हम बता। और बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बीजेपी चिंतित दिख रही है। ऐसे में प्रदेश में बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बीजेपी के ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की मांग की है। हालांकि इससे पहले ही बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की मांग की थी। ऐसे में अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने CM नीतीश कुमार से जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर यह फैसला लेने को कहा है। हालांकि CM नीतीश कुमार ने बढ़ते संक्रमण को लेकर अपने एक अड़े मार्ग स्थित संकल्प में उच्च स्तरीय बैठक की है और उसके बाद पटना की सड़कों का भी जायजा लिया। उधर जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने एक बार फिर से CM नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 14,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाने का क्या फायदा जब ये दवा कारगर है ही नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन और समुचित दवा की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सभी अस्पतालों को आर्मी के हवाले कर देना चाहिए। शमशान से हिसाब किताब लिए तो शमशान पर एक दिन में 65, दूसरे दिन 55, उसके पहले 67, फिर 70 पेट रूप से
लेकिन सरकार के आंकड़े में 22-23-25 आखिर नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी, मैं पैर पकड़ के कहूंगा कि मौत को मत छिपाइए। क्यों छिपा रहे हैं? एक दिनों में पटना की मौत है 100 से ऊपर, तीन गुना। कोरोना काल के दौरान वैसे तो सिस्टम पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच कटिहार से एक हृदय विदारक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 7 मिनट से भी अधिक के इस वीडियो में कोरोना संक्रमण से मृत एक व्यक्ति के डेड बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का इंतजाम देखने को मिल रहा है, जिसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल कोरोना से किसी भी मौत के बाद जिला प्रशासन की तरफ से कटिहार पूर्णिया सड़क के भसना पुल के नीचे उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है, लेकिन यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि एम्बुलेंस से उतारकर भसना पुल के नीचे तक ले जाने के लिए प्रशासन जिस व्यवस्था का दावा कर रहा है वह किसी तरीके से सही नहीं है, वो बिल्कुल फेल हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के 3 कर्मी के पास इसके लिए कोई स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं है। तीनों मिलकर किसी तरीके से घसीटते हुए उस बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। जनता को, परिजन को, जिसके परिवार के साथ साथ भेदभाव हो रहा है, उसको पूछना चाहिए कि जीते जी भी गंजन, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण डेथ, दवा ना मिलने के कारण डेथ, और मरने के बाद भी गंजन, तो ये मुझे लगता है दुर्भाग्य है। अब वो अपने जान पे, एम्बुलेंस चालक अगर अपने जान पे खेल के जाके डिस्पोज करता हो बॉडी को, और उसे धमकी दी जाती है, दुर्भाग्य है पूरा। ये धमकी से कुछ होना है क्या? जवाब देने पड़ेगी किसी की जिंदगी। वो जो एम्बुलेंस चालक रखा है कि अब घाट पर जाने के पहले ही, और उस एम्बुलेंस में जो स्ट्रेचर रखा हुआ था वो उसका भी एक पैर टूटा हुआ था, इसलिए उसको यूज़ नहीं कर सके लोग। और ये अमर सिंह जो हैं, ये पटना से आउटसोर्सिंग एजेंसी से जो एम्बुलेंस हमें प्रोवाइड किया गया उसी के चालक हैं, और स्वास्थ्य विभाग को बदनाम करने के लिए और अधिक राशि की डिमांड करते हैं, ये उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये बदमाशी से किया है। मैं इसकी जाँच करवा रहा हूँ, और अगर जाँच में सही पाया गया तो अमर सिंह पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कोरोना वायरस ने हमारी जिंदगी को हर तरफ से प्रभावित किया है। इस वक्त अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। भाप लेने के लिए भी एक ऐसा ही उपाय है जिसे विशेषज्ञ संक्रमण से सुरक्षा देने वाले उपायों में से एक मान रहे हैं। अब राजधानी पटना में भी फ्री में भाप सेवा की शुरुआत की गई है। कोरोना वायरस ने हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। ऐसे में लोग देसी जुगाड़ से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम पीर मोहानी मोड़ पे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं एक सेंटर केंद्र बनाया गया है जिसमें लोगों को फ्री इनहेल दिया जा रहा है भाप, यानी सबसे ज़रूरी भाप देना होता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये प्रेशर कुकर लगाया गया है कि गैस पे, और उसके जरिए लोगों को भाप दिया जा रहा है। कोरोना में सबसे महत्वपूर्ण है, विशेषज्ञ के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो लोग भी आपको सलाह देते हैं कि भाप लेना सबसे ज़रूरी है, और दिन में 3 से 4 बार भाप लेना चाहिए। कुछ दुकानदारों के द्वारा ये पहल की गई है, उनसे पहले बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विद्याभूषण शर्मा। कैसे ये आइडिया आपके दिमाग में आया और ये भाप लेने का, अपने लोगों को देने का? देखिए इस कोरोना महामारी में ये आप भी देख रहे हैं कितना भयावह रूप ले चुकी है, और ये सारे आए दिन चिकित्सकों का सलाह है कि भाप लेना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके लंग्स वीक हो रहे हैं, जितने भी आपको इंटरनल आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिनके कारण ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो रहा है, तो हमने ये पहल अपना अपने घर से ही शुरू किया, और ये घर से शुरू करने के बाद सभी से राय लेके हमने ये पहल बहुत छोटा सा शुरू किया, और ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है पब्लिकों से भी। दो दिन पहले से ये चल रहा है पहल हम लोग का, और ये लगातार अभी 7 दिन तक ये पहल हमारा चलेगा। और ये बेसिकली पहल है जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए, जैसे रिक्शे वाले, ठेले वाले, सब्जी वाले, इन लोग के लिए, क्योंकि वो आए दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, उनके पास ये सुविधाएं अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो इसको देखते हुए हमने ये पहल शुरू किया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। इधर देश में कोरोना संक्रमण के कारण स्थितियां खराब होती जा रही हैं, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा रोज रोज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सरकार जब बेहतर व्यवस्थाओं का दावा कर रही है तो क्यों आखिर इतनी मौतें हो रही हैं? ये रिपोर्ट देखिए।
बिहार भी अन्य प्रदेश की तरह आजकल कोरोना की चपेट में है। प्रतिदिन मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। सरकार के दावे और वादे सब खोखले साबित हो रहे हैं। सच कहें तो सरकार और सिस्टम कोरोना पॉजिटिव की वजह से खुद नेगेटिव हो गई है। ऐसे में एक सवाल जहन में आ रहा है कि क्या वाकई में कोरोना वायरस ही मौत का कारण है या कुछ और। अब हम आपको बताते हैं मौत का कारण। तकरीबन 12 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 534 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से एक भी आज की तारीख में कंप्लीट चालू हालत में नहीं है। वहीं रेफरल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 466 है, मगर कार्यरत सिर्फ 67 है। ऐसा ही हाल अनुमंडल अस्पतालों और सदर अथवा जिला अस्पतालों का भी है। साथ ही राज्य के 13 मेडिकल कॉलेजों में से भी केवल 10 ही फंक्शनल हैं। बिहार में 14 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट मिलाकर 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स 19 और सदर हॉस्पिटल बिहार में 36 है, सब डिविजनल हॉस्पिटल बिहार में 55 है, रेफरल हॉस्पिटल 70, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 270, प्राइमरी हेल्थ सेंटर 533, एपीएससी एडिशनल पब्लिक हेल्थ सेंटर 1350 और आयुर्वेदिक कॉलेज 5 है। इसे मिला करके ये स्थिति हुई। अब जरा ये भी जान लीजिए कि राज्य में चिकित्सा पदाधिकारी के कुल स्वीकृत पद 10,609 हैं, जिसमें से 6,437 पद रिक्त हैं, यानी मात्र 4,172 राज्य में चिकित्सा पदाधिकारी हैं, यानी 61% जगह खाली हैं। यहाँ स्टाफ नर्स ग्रेड के कुल स्वीकृत पद 14,198 हैं, लेकिन कार्यरत बल महज 5,068 है। एनएनएम नर्स के भी 10,000 से अधिक पोस्ट खाली हैं। आज की तारीख में 28,391 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक प्रति 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। इंडियन मेडिकल काउंसिल भी कहता है कि 1,681 लोगों के लिए एक डॉक्टर की आवश्यकता है। ऐसे में जब डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, लैब टेक्नीशियन नहीं, सफाई कर्मी नहीं, दवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं, तो फिर मौत नहीं होगी तो क्या जिंदगी मुस्कुराएगी? उम्मीद है आपको अब मौत का कारण समझ में आ गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी भारत, पटना। मुजफ्फरपुर शहर में एक और ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है, जिससे अब ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहां प्रतिदिन 2000 सिलेंडर भरने की क्षमता है। दामोदरपुर में बंद पड़े पाटलिपुत्र गैस एजेंसी से 500 आपको ऑक्सीजन सिलेंडर का उत्पादन शुरू हो गया है और अब तक बेला स्थित एसबीजी गैस प्लांट से ही ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा था, लेकिन प्रशासन ने बंद पड़े पाटलिपुत्र गैस एजेंसी को फिर से शुरू कराया है। उधर कटिहार में बैंक में रुपया जमा कराने जा रहे पेट्रोल कर्मी से अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर लगभग 4.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। यह घटना जिला के कोढ़ा थाना क्षेत्र की है। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि जब पेट्रोल कर्मी बैंक में रुपया जमा कराने जा रहा था और इसी दौरान पहले से घात लगाए मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बिसरिया में एक पेट्रोल पंप है, तो यहाँ इनके मालिक जो है सबने यहाँ स्टाफ को पैसा कुल 4,16,000 रुपया था। एक मोटरसाइकिल से जा रहा था फिर होगी बैंक में जमा करने के लिए, इसी में सिसिया गाँव से आगे एक सुनसान जगह वहाँ दो अपराध कर दी जो अपाची मोटरसाइकिल से था और एक बगल वाले जो सुनसान जगह था कच्ची सड़क उसी में था, उसका रेकी कर रहा था। जैसे कि आगे बढ़ा तो पीछे से जा करके उनको रोक करके और बेसल सटा कर उनके डिक्की में जो रुपया था ले लिया और आगे जाके पुनः फिर दाहिने कच्ची रोड में वो लोग चला गया। और ऐसा लगता है कि जो अपराधी है वो स्थानीय अपराधी है और यहाँ की जानकारी उनके पेट्रोल पंप की थी कि कौन पैसा ले जा रहा है, क्या ले जा रहा है।
वहीं पटना में अपराधियों का लगातार तांडव देखने को मिल रहा है। पटना जिला के बिक्रम थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक छात्र को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि देर रात एक तिलक समारोह से वापस लौट रहे छात्र को उसके सिर में गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पालीगंज डीएसपी तनवीर अहमद ने बताया कि 3 की संख्या में आए बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कल रात में तिलक में आए एक 18 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कांड दर्ज कर और अज्ञात अपराधियों के बारे में उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा बताया गया है। लड़का तिलक में आया था, मुरियावा गांव में, वहीं पे उसको उसकी गोली मार के हत्या की गई है। कांड दर्ज किया गया है। कितने गोली लगी थी सर? ये सब पोस्टमार्टम में आएगा। कितने अपराधी संख्या थे? 3 की संख्या चश्मदीदों के द्वारा बताई गई है। एक और कोरोना महामारी से लोग जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर लखीसराय जिले के ज्यादातर इलाके में जल संकट गहराता जा रहा है, जिससे खेती और किसानी पर प्रभाव पड़ रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों की अगर बात करें तो वो जिले के सूर्यगढ़ा तथा चानन प्रखंड के कई दर्जन गांव हैं, जो फिलहाल सबसे अधिक प्रभावित हैं। बिहार राज्य का तीसरा सबसे बड़ा प्रखंड सूर्यगढ़ा और नक्सल प्रभावित चानन का जंगली और पहाड़ी इलाका है, जहां न खेतों में पानी है और न ही नलों में। हालात ऐसे हैं कि यहां तालाबों में भी पानी सूख गया है, जिससे खासकर किसानों और खेतिहर मजदूरों को स्थिति उनकी खराब हो रही है और भुखमरी का आलम सताने लगा है। और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।